हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बायनोमियल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा है यदि आप 1 + k की होल पावर है, इसको बेटा बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करते हो, तो आपको बेटा इनके पहले तीन जो टर्म्स होंगे उनके कॉफिशेंट का रेशियो 1:7:42 मिलेगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है आप बताइए एन की वैल्यू क्या है। तो बेटा सबसे पहले हम तीन टर्म्स ले लेते हैं स्टार्टिंग के। पहला बेटा r-1, दूसरा r और तीसरा बेटा r+1। ये बेटा क्रम से ले लिए हमने टर्म्स। अब बच्चों इनके हमें कॉफिशिएंट लेना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो बेटा कॉफिशिएंट निकालने का एक तरीका ये है कि ऊपर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, ठीक है। और बच्चों ये सी, अब नीचे क्या आएगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ टर्म्स बेटा r-1 है, तो बेटा एक कम करो तो r-2 आएगा, ठीक है। यहाँ टर्म्स बेटा r है, एक कम करो तो r-1 आएगा, ठीक है। और यहाँ टर्म्स बेटा r+1 है, एक कम करो यहाँ से तो बेटा यहाँ आएगा r। ये हमने क्या निकाल लिए, इनके बच्चों कॉफिशियंट पता कर लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके कॉफिशियंट का यदि आप रेशियो लेते हो तो वो रेशियो ये होगा 1:7:42। अब बच्चों सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ फॉर्मूला लगेगा एन सी आर का। फॉर्मूला कहता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल मतलब एन का फैक्टोरियल, फिर फॉर्मूला कहता है नीचे वाले का फैक्टोरियल मतलब आर का फैक्टोरियल, फिर फॉर्मूला कहता है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो और फिर फैक्टोरियल लगाओ, ठीक है। तो बेटा इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। सबसे पहले आपसे कहता है फॉर्मूला ऊपर वाले का फैक्टोरियल मतलब बेटा एन का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल मतलब r-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर फॉर्मूला कहता है ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो और फिर बेटा फैक्टोरियल लगाओ। तो ऊपर एन है, उसमें से नीचे वाला r-2 को माइनस कर दिया, फिर फैक्टोर लगाएंगे, ठीक है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसे लिख लेते हैं n-r+2 का फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ऊपर वाले का फैक्टोरियल फॉर्मूले से नीचे वाले का फैक्टोरियल। अब बच्चों ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो और फैक्टोरियल लगाओ, ऊपर वाला एन है उसमें से नीचे वाला माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये बनेगा, लिख लेते हैं n-r+1 का फैक्टोरियल। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो और फैक्टोरियल लगाओ, ठीक है। और इक्वल टू में 1:7:42। अब बच्चों इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो बेटा सबसे पहले ये रेशियो ले लेते हैं, ऊपर ये लिख लेते हैं फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r-2 का फैक्टोरियल n-r+2 का फैक्टोरियल और अपॉन बेटा इसे लिख लेते हैं हमने बच्चों पहले दो रेशियो लिए हैं, तो बेटा इधर पहले दो रेशियो ले लो 1/7, ठीक है। अब बेटा फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सब बेटा सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा r-1 का फैक्टोरियल n-r+1 का फैक्टोरियल अपॉन में r-2 का फैक्टोरियल और ये n-r+2 का फैक्टोरियल और इक्वल टू 1/7। अब बेटा सबसे पहले इसे ओपन करेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n इक्वल टू n n-1 का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। बेटा n बाहर हो गया और फैक्टोरियल में एक कम करके आ गया, देखिए n-1 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल वही करेंगे, ये बच्चों बाहर हो जाएगा r-1 बाहर हो गया, फैक्टोरियल के अंदर एक कम करके आएगा मतलब r-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसे बच्चों वैसे ही लिख लो।
अपॉन में आर माइनस टू का फैक्टोरियल। अब बच्चों इसे ओपन कर रहे हैं, कैसे ओपन करेंगे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से। देखिए ये बच्चों बाहर हो गया और बेटा फैक्टोरियल में एक कम करके आएगा, देखिए प्लस टू है, एक कम करोगे तो प्लस वन हो गया और इक्वल टू में वन अपॉन सेवन। अब बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच्चों ये दो बच्चे, इसे लिख लेते हैं आर माइनस वन अपॉन में एन माइनस आर प्लस टू और इक्वल टू में वन अपॉन सेवन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेवन का बेटा इसमें मल्टीप्लाई और बेटा इसका वन में मल्टीप्लाई, ठीक है, सेवन का अंदर मल्टीप्लाई करा, ये सेवन आर, ये माइनस सेवन, माइनस का आर ये बेटा दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया, प्लस का टू है दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, इक्वल टू में बचा एन, सेवन आर और एक आर बेटा एट आर हो गया, ये माइनस सेवन और ये माइनस टू, ये हो गया माइनस नाइन। इस तरह से बेटा हमें एक इक्वेशन मिल गई। अभी हमने बेटा इन दोनों रेशो को लिया, अब बेटा हम इसको और इसको लेंगे, मतलब हम सेवन रेशो फोर्टी टू लेंगे। बच्चों इस रेशो को लिख लेते हैं, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और अपॉन में ये फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल और इक्वल टू में सेवन रेशो फोर्टी टू। इसे बेटा सेवन के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, वन अपॉन सिक्स हो गया, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल, ये नीचे लिखा हुआ बेटा ऊपर चला जाएगा, आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल और अपॉन में आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू वन अपॉन सिक्स। अब बच्चों आप इसे ओपन करो, कैसे ओपन करेंगे, फॉर्मूले से फैक्टोरियल एन इक्वल टू होता है एन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, बेटा ये फॉर्मूला कहता है एन बाहर हो जाता है फैक्टोरियल में एक कम करके आता है, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, आर बेटा बाहर हो गया फैक्टोरियल में हो गया आर माइनस वन, ठीक है, इसे वैसे ही लिख लो, ये आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, देखिए ये बाहर हो गया और बेटा इसमें से एक कम करके फैक्टोरियल में आएगा, देखिए यहाँ प्लस वन है, एक कम करोगे तो बेटा यहाँ हो जाएगा एन माइनस आर और उसका फैक्टोरियल और इक्वल टू में वन अपॉन सिक्स, ये कैंसिल हो गए, ये बेटा कैंसिल हो गया। अब बेटा ऊपर आर बचा है, नीचे एन माइनस आर प्लस वन बचा है इक्वल टू वन अपॉन सिक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिक्स का आर में मल्टीप्लाई सिक्स आर और बेटा इधर वन में मल्टीप्लाई करोगे तो एन माइनस आर प्लस वन, ये बेटा सिक्स आर, माइनस का आर ये बेटा दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया, प्लस का वन ये बेटा इधर गया तो माइनस का हो गया और ये बेटा है, ये हो गया सेवन आर और ये बच्चों माइनस वन। इस तरह से बच्चों हमें एक और इक्वेशन मिल गई, इसे नाम दे देते हैं टू। अब बच्चों इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करके एन की वैल्यू पता करेंगे। देखिए इक्वेशन वन को लिख लेते हैं एट आर माइनस नाइन, बेटा इस एन की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं सेवन आर माइनस वन, ठीक है, एन की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर लें, ये एट आर प्लस का सेवन आर ये बेटा दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, इधर बच्चों माइनस वन, माइनस का नाइन ये बेटा दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया, ठीक है, एट आर में से सेवन आर माइनस करोगे तो एक आर बचा, नाइन में से वन माइनस करा एट बचा। इस तरह से बच्चों आर की वैल्यू मिल गई, हमें एन चाहिए तो बेटा इक्वेशन टू में हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर इक्वल टू एट, सेवन आर माइनस वन इक्वल टू एन, आर की जगह बेटा एट रखा, ये हो जाएगा फिफ्टी सिक्स माइनस वन इक्वल टू एन, ये हो गया 55। इस तरह से बच्चों n की वैल्यू आई 55। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।